आप लोग अपने आसपास अगर कुछ लोगों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप लोगों को दो तरीके के लोग दिखाई देंगे। एक तो वो है जो कि अपने काम को बहुत ही सही ढंग से करते हैं, और एक वो है जो कि काम को करना है नहीं करना है मनमाने ढंग से, हाँ करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो कर दिया, वरना उसको इग्नोर कर देते हैं। यानी कि उस काम को करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं होता है। पर लेकिन दोनों जो है टाइम एक जितना ही लगाएंगे, यानी कि वो भी उसमें मान लीजिए 2 घंटे लगा रहा है, तो दूसरे वाला भी उसमें ज्यादा ही लगाएगा, कम तो लगाने से रहा। जब इतना टाइम वेस्ट करना ही है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो क्यों ना उस काम को थोड़ा ढंग से किया जाए। तो यहां पर जो है एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था जिसका नाम है उत्साह। तो ये इंसान को वो काम करने के लिए प्रेरित करता है जो काम आप लोग करना चाहते हैं। डेली रेगुलर एक रूटीन फॉलो करना, आप लोग सोच के देखिए एक मिनट के लिए कि आप लोगों को डेली रेगुलर एक टाइम पर उठना है, उसके बाद में अपने रूटीन को फॉलो करना है, उन चीजों को एंजॉय करना है जो चीजें आप लोग रेगुलर कर रहे हैं। एक इंसान ये बोल सकता है यार बोरिंग लगने लगा ये तो, जैसे आप लोग मुझे मानिए, मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो देता हूं, ठीक है। मैंने पहली जो वीडियो अपलोड की थी 2016 में अपलोड की थी, और आज तक का जो मैंने आप लोगों को बोला है कि वीडियो आनी है, तो उसमें मैंने कोई ब्रेक नहीं किया, रेगुलर वीडियो आई। आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई भी दिन कि वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुंची हो। तो एक तो इंसान ये बोल देगा यार बोरिंग काम है, डेली पीपीटी बनाओ, डेली वीडियो रिकॉर्ड करो, डेली अपलोड करो, कितना बोरिंग सा काम लगता है। एक यार कितना मजा आता है, कितने सारे बच्चों को इसकी वजह से फायदा हो रहा है, कितनी अच्छी इंगेजमेंट होती है, कितने सारे बच्चे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी बातें वो मुझे बताते हैं, मैं उनको अपनी बातें बताता हूँ, मतलब एक अच्छा माहौल बना हुआ है। तो यानी कि जब मैं लेक्चर बनाने बैठता हूँ, नॉर्मली मेरा आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, नॉर्मली मैं ज्यादा बातें बात करने वाले लोगों में से हूँ नहीं, ठीक है। अगर आप लोग पर्सनली मुझे मिलेंगे ना कभी, तो एक मतलब कई सारे मेरे दोस्त भी ये बात बोलते हैं यार वैसे तो तुम बड़े शांत इंसान, मतलब शांत स्वभाव के इंसान हो, पर लेकिन वीडियो में कभी लगता नहीं है कि वही इंसान वीडियो बना रहा है। तो वीडियो बनाते हुए पता नहीं एक अलग टाइप की एक एनर्जी सी आती है यार, यानी कि ऐसा लगता है कि एक यानी कि अपने लिए जो कर रहे हैं कुछ एक ऐसी चीज है यहाँ पर जो कि कुछ और लोगों को भी थोड़ा फायदा पहुंचाने वाली है, ठीक है। अपने लिए तो कोई काम करने में ज्यादा मोटिवेट होने हो, पर लेकिन जब ये आप लोगों को ये लगने लगी अपनी जो लाइफ है वो इस तरीके से लेके चलनी है कि दूसरों को भी उसका कुछ फायदा हो सके अपनी लाइफ का, तो कुछ भी ऐसे अगर कुछ काम होते हैं उनको करने मेरा बड़ा मजा आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि सर इसमें कुछ हो सकता है क्या, ठीक है, मतलब जहां पर जहां तक मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हर इंसान के पास में लिमिटेड ही चीजें हैं, ठीक है, थीके? तो वो तो अलग चीज हो जाती है, पर लेकिन किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ जो सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। कई सारे बच्चे रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, कुछ हेल्थ के बारे में कोई कई सारे मेल आते हैं, तो एक तरीका ये रहता है कि मैंने कहा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इंसान को मिल जाए तो उसको करने में काफी एक अंदर से सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हाँ यार ये इस तरीके से मैं किसी की लाइफ में एक छोटा सा रोल प्ले कर पा रहा हूँ। तो ये एक उत्साह की वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि मैं उस चीज को एंजॉय करता हूँ। तो उत्साह को आप लोग एंजॉयमेंट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप लोग किसी काम को करने में एंजॉय आने लगे, आप लोग उसको एंजॉय करने लगो, तो वहां पर आप लोगों का जो उत्साह है वो बरकरार रहेगा। पर लेकिन जिस दिन आप लोगों ने चीजों को बोरिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, आप लोगों को लगने लगा यार ये भी करना है, उसको एक काम की तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन चीजें जो हैं वो आप लोगों को पसंद आनी बंद हो जाएंगी और आप लोग उस काम को करना छोड़ दोगे। तो जिस दिन मुझे वीडियो बनाना काम लगने लगेगा, जिस दिन मुझे वीडियो बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा कि वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, उस दिन मैं चीजें छोड़ छाड़ के साइड में कुछ और देखूंगा फिर, क्योंकि ये चीजें तब तक ही पॉसिबल है जब तक आप लोग इनको एंजॉय कर रहे हो। जिस दिन एंजॉय करना बंद कर दिया तो फिर उस चीज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक ये छोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी जो वीर तालियान वाला चैनल है उसके ऊपर, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ऐसे ही बैठा बस मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़ी बात करूं, तो एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो मैंने अपलोड की वहां पर। तो कई सारे बच्चों के कमेंट पढ़े मैंने, पढ़कर काफी अच्छा लगा। मैंने एक छोटा सा उसमें सॉन्ग जो सुना है, तो कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अच्छा गा ले तो सॉन्ग के लिए ट्राई करो। यार मैं ना बाथरूम सिंगर की कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है। मतलब यह कि अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को एंजॉय करने के लिए जो आप लोग कर सकते हैं वो करिए, पर ये नहीं जरूरी है कि दूसरों को दिखाना है वो, ठीक है, कि हाँ ये चीजें हैं इस तरीके से हो रही है। तो अपने आप को खुश रखने के लिए जो आप लोग कर सकते हैं वो करिए, और जब आप लोग अपने आप को खुश रखना सीख जाएंगे ना, तो फिर आप लोग दूसरों को भी खुश रख पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ओके। और हाँ एक बच्चा बोला था कि सर आपकी वीडियो कोई और चैनल अपलोड कर रहा है, वो वीर तालियान के नाम से, ये अपना ही फैमिली का चैनल है वो, ठीक है। तो ये स्टडी लवर वीर का ही एक सेकंड पार्ट मैंने बना रखा है इस तरीके से कि कल को अगर कोई दिक्कत आने लगे, चैनल वैनल टर्मिनेट हो जाते हैं आजकल, तो मैंने कहा एक स्टेपनी होनी चाहिए साइड में ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुंचती रहे, ठीक है। तो इसलिए वो चैनल है, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और का है, तो वो आप लोगों को वहां पर जो वीडियो देखने को मिलती है कभी कभी मैं ही उस पर अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो उसको वैसे मत देखिएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डे के बारे में, और आप लोगों को पता है कि ये जो वीडियो होती है ये बेसिकली एक संडे वाली वीडियो होती है, तो थोड़ा सा हल्की फुल्की बातें करते हैं। वीकेंड में हम लोग जो वीडियो है थोड़ी सी अलग तरीके से लेके चलते हैं, ताकि एक रिफ्रेशमेंट भी आप लोगों को देखने को मिले। आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों का जो है लगभग 1 साल का करंट अफेयर कवर कराऊंगा, तो अभी आप लोगों की 1-2 महीने की वीडियो और आएगी, ठीक है, जून और जुलाई। बाकी मैंने आप लोगों की कौन कौन सी कवर कर दिया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया और अप्रैल हो गया, तो ये वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है। अभी आप लोगों को जून और जुलाई की तो वीडियो इधर देखने को मिलेगी, और बाकी इसके बाद में फिर आप लोगों की जो वीडियो होगी वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि मई की आएगी, ठीक है, जो आगे चलकर यहाँ पर, ठीक है, अप्रैल की होगी, मई की होगी, जून की आएगी, जुलाई की आएगी, अगस्त की आएगी, सितंबर की आएगी। अब ये आगे की वीडियो आप लोग की आएगी जून और जुलाई की कवर करने के बाद में, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर पिछले हफ्ते भी वीडियो नहीं आई, ये वीडियो बंद कर देगा, तो 1 साल का ये आप लोगों का देखिए टोटल मिलाकर प्रीलिम्स तक का आप लोगों का लगभग मोटे मोटे तौर पर 16 महीने का करंट अफेयर मैं आप लोगों का कवर करा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो जून से लेके मैंने बोला आप लोगों को 1 साल तक का था, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का कितना हो गया। तो अगले बात करिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, और फिर इसी के साथ में मई से आगे जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप लोगों का फाइनल डेस्टिनेशन तक आप लोगों को पहुंचाकर छोड़ूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कवर कराऊंगा, तो ये वीडियो अब के वीक भी नहीं आएगी। मैं सोच रहा हूँ कि मर्ज कर इसकी एक ही वीडियो डाल दूं, ना कि अलग अलग वीडियो डालूं, ठीक है। अलग अलग वीडियो जो रहती है आप लोगों को भी चीजें ये रहती है कि यार ज्यादा चीजें देखनी पड़ रही है, तो एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा जून और जुलाई का। और या तो ये कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीक आएगा उस वीक में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर जो टाइम मुझे ठीक ठाक मिला, या फिर अगर नेक्स्ट में नहीं आया तो उसके नेक्स्ट में तो जरूर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का फिर इसके बाद में आप लोगों का मई का भी करंट अफेयर आना है, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इसको मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, ताकि फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा फिर आप लोग उसमें मई का करंट अफेयर आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक इसको रखते हैं, अगर चीजें सारी नॉर्मल चलती रही तो, ठीक है। बाकी अगर फिर भी कोई सजेशन सुझाव आप लोगों का होगा तो आप लोग जरूर बताएगा, जो भी आप लोगों के माइंड में लगता है। कुछ और वीडियो भी मैं सोच रहा था, कुछ जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए पहले भी वीडियो बनाई थी, जैसे ना कि जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह, या फिर जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स वगैरह हो गए, कुछ स्कीम्स वगैरह, तो बीच बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता रहेगा वो वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये करंट अफेयर वाला जो फंडा है फिर महीने की वीडियो आया करेगी, तो उसके बीच बीच में कुछ कुछ ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो जो मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों का कवर कराता रहूंगा। सारी पीडीएफ आप लोगों को यहां से मिली जाती है, उनको यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये सारी पीडीएफ यहां पर एक जगह इकट्ठी मिल जाती है आप लोगों को, ओके। तो ये थी कुछ बातें, आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करेंगे इंपोर्टेंट डे के बारे में। तो जो आज का जो इंपोर्टेंट डे है यहां पर ये बात कर रहा है किसके बारे में, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के बारे में। तो जब लाइट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डे है ये किसकी वजह से सेलिब्रेट किया जाता है, ये लेजर की वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखा होगा ना आप लोगों ने कई बार कि छोटी सी एक बैटरी लेकर आते हैं कि देखो वो वहां पर पॉइंट लग रहा है, उस पॉइंट को पकड़ के दिखाओ, ठीक है, किस किसने की है ये हरकत इस तरीके की। तो यहां पर लेजर के बारे में बात की जा रही है, तो 16 मई 2021 में जो ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये एक साइंटिफिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, ताकि जो पोटेंशियल है पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मिलकर हम लोग काम कर सकें। ये जो डे है ये लेजर से रिलेटेड है, LASER, इसकी फुल फॉर्म तक भी एग्जाम में पूछी गई है, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, क्या हो गया, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, ठीक है, तो इसको लेजर के नाम से जानते हैं। तो ये जो लेजर है यहां पर ये जो प्रोसेसर होता है जिसमें यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके की डिवाइस होती है जो कि यहां पर एम्पलीफाइड करती है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैटेगरी में आता है। तो इसका यहां पर खोज की गई, काफी लार्ज स्केल पर काफी जगह इसको यूज भी किया जाता है, अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है। तो एक फिजिस्ट के ज्ञाता थे जिनके द्वारा इसकी बेसिकली फर्स्ट ऑपरेशन किया है इसका एक तरीके से, ये पर्टिकुलर सक्सेसफुल 1960 में, इनका नाम था थियोडोर मैमन, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, इन्हीं से रिलेटेड यहां पर ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसको आप लोग इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। COVID-19 बहुत कई सारी महान महान पर्सनैलिटी को लेकर चला गया, जिनकी जो एज ज्यादा हो चुकी है खासकर, और जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनको तो ये लेकर जा रहा है। तो बात की जा रही है कि हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर, यानी कि ये यूनियन मिनिस्टर भी रहे,
जिनके द्वारा जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, अर्बन जो डेवलपमेंट और टूरिज्म और कल्चर मिनिस्ट्री, इनके कंट्रोल में रही है। ठीक है, तो ये जो पर्सनैलिटी है रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, नॉर्मली इनको ये बेसिकली यहाँ पर जगमोहन या फिर जगमोहन मल्होत्रा इनका पूरा नाम था, ये फॉर्मर इंडियन सिविल सर्वेंट भी थे। इनके द्वारा 1970 में जब ये वाइस चेयरमैन रहे यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के, यानी कि डीडीए के, जब ये वाइस चेयरमैन रहे उस टाइम पर, इनके लिए इनके द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान तैयार किया गया था कि दिल्ली को कैसे एक सही डायरेक्शन में डेवलप करना है। ठीक है, पर्सनैलिटी यहाँ पर आप लोगों के सामने है जिनके द्वारा यहाँ पर दिल्ली का मास्टर प्लान तैयार किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं दिल्ली के और गोवा के, और इसी के साथ में लोकसभा में 3 बार और राज्यसभा में 1 बार इनको नॉमिनेट किया गया, लोकसभा में 3 बार ये मेंबर रहे। पॉलिटिकल पार्टी थी इनकी भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर रहे। पद्मश्री दिया गया 1971 में, पद्म भूषण दिया गया 1977 में, और पद्म विभूषण दिया गया 2016 में। यानी कहने का मतलब यह है कि काफी शानदार तरीके से इनके द्वारा अपनी लाइफ जी गई, इसीलिए इतने सारे हाईएस्ट अवार्ड इनको देखने को मिले। पद्म भूषण होता है पहले नंबर का, सॉरी भारत रत्न होता है पहले नंबर का, दूसरे नंबर पर होता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर है पद्मश्री। तो ये चार हमारी कंट्री में सिविलियन कैटेगरी में 4 हाईएस्ट अवार्ड हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो 4 में से 3 इनको मिल चुके हैं, ओनली एक अवार्ड बचा था यहां पर, भारत रत्न। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जो कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। इनका जो बर्थ का नाम था, यानी कि जब ये पैदा हुए थे तो ये 1918 में पैदा हुए थे, 27 अप्रैल 1918 में और अभी हम कहाँ बैठे हैं, 2021 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो पूरे 103 साल की एज इनकी रही है, पूरे 103 साल ये जी कर गए हैं, फिलिपिन ओमन। ठीक है, तो इनका ये बचपन का नाम था, पर फिलहाल इनको कई सारी उपाधि मिल चुकी है, इतनी पुरानी पर्सनैलिटी है। तो इनको यहाँ पर फिलहाल अभी डॉक्टर फिलिपोज मार्क क्रो यहां पर क्राइसोस्टोमा, इसी के साथ में मार्क थोमा वालिया मेट्रोपोलिटियन, तो ये पूरा इन्हीं का नाम है। तो यानी कि ये इनको उपाधि यहां पर दी गई, एक तरीके से एक कोने कहते हैं कि धर्म अध्यक्ष यहां पर पर्टिकुलर कम्युनिटी के, तो ये धर्म अध्यक्ष थे, और एमिरेट्स मोटर मेट्रोपोलिटन की भी इनको उपाधि मिली थी। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि 27 अप्रैल 2017 में जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, उस 100वीं बर्थ एनिवर्सरी ये सेलिब्रेट करके गए, कितना अच्छा लगता है कि 100 साल का हो गया इंसान। ठीक है, तो तब यहां पर प्रोजेक्ट इनके द्वारा अनाउंस किया गया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए इनके द्वारा काम किए गए, और इनको हमारी कंट्री में पद्म भूषण भी मिल चुका है। अब आप लोग बोलेंगे पद्म भूषण वो किस चीज के लिए दिया गया है, तो इनके द्वारा यार एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था नेवथे होम प्रोजेक्ट। ये नेवथे होम प्रोजेक्ट जो था, इसमें इनके द्वारा 1500 के करीब जो लोग थे उनको घर प्रोवाइड कराए गए, यानी कि इनके द्वारा जो 1500 के करीब लोगों को घर प्रोवाइड कराए गए, लगभग 1.5 लाख का एक घर था यहाँ पर। तो ये इस तरीके से इनके द्वारा ये कुछ सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया ताकि जिनके पास में घर नहीं है उनको घर मिल सके, और घर भी ऐसा वैसा नहीं, उसमें प्रॉपर जो घर था उसमें उसमें बैठने का एरिया, एक ड्राइंग रूम, इसी के साथ में बेडरूम, किचन, डाइनिंग हॉल, टॉयलेट, तो ये सारी चीजें थी उस घर में। तो ये इस तरीके से इनके द्वारा काफी चीजें यहां पर की गई, जिसके चलते यहां पर इनको ये पद्म भूषण भी दिया गया 2018 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके बारे में। तो कई बार पर्टिकुलर पर्सन से स्पेसिफिक न्यूज पूछ ली जाती है, तो आप लोग नाम याद रखते हैं, और अब भी देखिए चेहरा देखिए कि अब भी ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि इतने बुजुर्ग आदमी होंगे। तो ये होती है विल पावर, अपनी सेहत का ध्यान रखने का तरीका। तो इस तरीके से इंसान जिए तो जीने में मजा आ जाए, तो अपनी जिंदगी को खुश होकर दिया करो। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये बात की जा रही है हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में क्या न्यूज है यहाँ पर, एक बार समझ लेते हैं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ये आप लोग देखिए, जब आप लोग नॉर्मली सिटी स्कैन कराने जाते हैं तो क्या होता है, तो कुछ ऐसी प्रक्रिया आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब सिटी स्कैन कराया जाता है पूरी बॉडी का, आप लोग ऐसे स्कैन होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चीज है, चारों तरफ से, चारों डायमेंशन से आप लोग यहाँ पर ये सिटी स्कैन किया जाता है। तो सिटी स्कैन जो है यहाँ पर, इसको कई नाम से पुकारा जाता है, सिटी स्कैन आप लोग नॉर्मल बोलते हैं इसको, जो फुल फॉर्म नॉर्मली बोले तो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है कंप्यूटेड एक्सियल, जो टोमोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, और कैट स्कैन के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। तो ये इस तरीके से कई नाम से जाना जाता है, बॉडी के अंदर क्या क्या दिक्कत है उसको चेक करने के लिए नॉर्मली यहाँ पर ये कई तरीके से जो चीजें हैं, जैसे कि रेडियोग्राफी और रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो यहाँ पर ये काम करते हैं, यहाँ पर ये चेक करने का काम करते हैं कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन को सिटी स्कैन के अंदर डाला जा रहा है तो किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इनके बारे में, अगर सिटी स्कैन के बारे में आप लोगों से मैं बात करूं अभी फिलहाल, तो ये कई तरीके से एंगल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब, इसी के साथ में मल्टी एक्सरे रेडियो, ये यहाँ पर मेजरमेंट,
और डिफरेंट एंगल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि हर तरीके से यहाँ पर इसको चेक करने की कोशिश की जाती है, जो सिटी स्कैन यहाँ पर देखने को मिलता है बॉडी का चेकअप करने के लिए। यहाँ पर ये कंप्यूटर के थ्रू एक प्रोसीजर चलता है जिसके थ्रू ये चीजें देखने को मिलते हैं, जो यूज होते हैं यहाँ पर आयनाइज जो रेडिएशन होता है। हालांकि कई बार माना जाता है कि इसके कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, पर लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट इतने नहीं कि आप लोग इसको बहुत ज्यादा हाहुल्ला करो कि यार ये तो कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें आप लोग बोलने लगो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सिटी स्कैन जो यहाँ पर ये यूज किया जाता है नॉर्मली इसमें एक्सरेज, ठीक है, जो कि आयनाइज रेडिएशन होता है। आयनाइज का मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना कि नेगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, आयन बोलते हैं जिनको आप लोग कई बार। ओके, तो ये वो वाली कैटेगरी की बात की जा रही है, जब यहाँ पर जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है, वो वाली चीजें हो गई। तो ये सारे केमिकल जो चीजें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में, तो आयनाइज जो रेडिएशन इसके अंदर से निकल कर आता है, कई बार ये माना जाता है कि यहाँ पर ये डीएनए को भी यहाँ पर डैमेज कर देता है और इसके चलते कैंसर भी देखने को मिलता है, पर लेकिन वो काफी कहते हैं माइन्यूट कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिस्क यहां पर इतना है कि 2000 में से यहां पर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको ये इम्पैक्ट डालता है, ठीक है, तो ये आप लोग बोल सकते हैं जिसको कैंसर डेवलप हो जाता है। तो कई बार ये बोला जाता है कि बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को, ज्यादातर ऐसा नहीं कि जाके तुरंत चेक कराए बैठे हैं इसको, जब भी मन करे जाकर बैठ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब जरूरी हो तभी इसको यूज किया जाए, ये तो माना जाता है। जो यहाँ पर ये सारा काम करते हैं उनको बोलते हैं, उस जो बेसिकली प्रोसीजर किया जाता है इसको बोलते हैं रेडियोलॉजी, जिसके थ्रू यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, जिसमें इमेजिंग एक तरीके की इमेज ही तो ली जाती है हर एंगल से, यहाँ पर इमेज लेने का ही तो प्रोसीजर है ये हर एंगल से, तो यहाँ पर ये जो इमेज ली जाती है तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर इसको जो पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, जो स्पेशलाइज होते हैं, उनको यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा सीटी स्कैन के बारे में बातें, तो ये न्यूज में क्यों है ये समझ लेते हैं। कई सारे कोविड-19 के जो पेशेंट है, जब उनको RT-PCR के थ्रू यहां पर देखा गया तो वो नेगेटिव थे, पर लेकिन जब सीटी स्कैन उनका किया गया तो वो कोविड-19 के सिम्टम्स उनके अंदर देखने को मिले, तो इसकी वजह से यहां पर ये सीटी स्कैन न्यूज में आ गया। तो एक हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। स्पोर्ट के बारे में बात करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, ये काफी लार्ज स्केल पर देश दुनिया में आप लोगों को इससे रिलेटेड कई सारी चीजें देखने को मिली। तो क्या है न्यूज, इसको समझते हैं एक बार। पहले यहां पर यह बात की जा रही है कि ओलंपिक के द्वारा जो अभी एथलीट हैं उनको ये बोला गया कि एथलीट जो है वो ग्राउंड में उनको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करने के लिए फील्ड के अंदर में, ठीक है। ऑन पोडियम अगर यहां पर कोई जा रहा है, वहां पर जैसे कि पोडियम पर जा रहा है या किसी सेरेमनी में, तो लोगों को यहां पर जो एथलीट होंगे, जो खिलाड़ी होंगे, उनको ये अलाउ नहीं किया जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि ये न्यूज कहां से आ गई निकलकर, तो इसके बारे में एक छोटी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं, जो कि आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। हुआ क्या, यूएसए के अंदर यहां पर एक ब्लैक पर्सन था जिसकी यहां पर जान चली गई और पुलिस के द्वारा यहां पर ये हरकतें देखने को मिली जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। आखिर ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई, पहले आप लोग ये समझिए। ये जो पर्टिकुलर पर्सन था, ये पास में किसी एक दुकान पे पास में जाता था, तो वहां से नॉर्मली अपना बीड़ी सिगरेट खाने पीने का जो भी सामान लेना है, तो वहां से ये इस तरीके से सामान लिया करता था। अभी रिसेंटली कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों की जान गई, तो इसकी भी बेचारे की वहां पर जान चली गई। ये यूएसए के अंदर एक ब्लैक पर्सन था, तो यहां पर जैसे ही दुकान पर ये कुछ सामान लेने के लिए गया, तो जो करेंसी ये लिए हुए था, ये माना गया कि वो करेंसी जो है वो उस करेंसी में कोई गड़बड़ है, कोई फेक टाइप ऑफ करेंसी है। तो इसके चलते जो दुकान वाला है उसने यहां पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, तो यहां पर पुलिस पहुंच गई यहां पर जगह पर। तो पुलिस वाला जो ये पर्टिकुलर पर्सन था, इसने क्या किया, इसके हाथ बांधकर, इसके दोनों हाथ में हैंडकफ लगा हुआ है, इसके हाथ बांधकर इस तरीके से यहां पर लुटाया इसको और इसकी गर्दन पर घुटना रख दिया। ये यहां पर बार बार चिल्लाता रहा कि क्या कर रहे हो यार, ये सही चीज नहीं है, मेरी जान चली जाएगी, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और मुझे वैसे भी कई बार ये प्रॉब्लम होती है इस तरीके की कि मतलब एक तरीके से बॉडी नहीं, एक तरीके से बॉडी ढंग से फंक्शन नहीं करती है। तो वो इसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी थी इस पर्टिकुलर पर्सन को, पर लेकिन इसने इसकी गर्दन पे से ये घुटना हटाया ही नहीं। वो नहीं कहते कि जब बॉडी जो है ठंडी पड़ने लगी, इस इंसान को लगने लगा कि इसका जो जो नीचे है ये इंसान, इसकी जान जाने लगी, इसने बोला जा रहा है कि 25 से 30 बार बोला कि यार गर्दन हटा लो मेरी जान चली जाएगी, तो पर लेकिन इसने सुना नहीं। कई सारे जो लोग थे आसपास खड़े हुए, उन्होंने बोला यार कर क्या रहे हो, ये क्या हरकतें कर रहे हो, हट जाओ, पर लेकिन ये पर्सन हटा ही नहीं। जब यहां पर लोग खड़े हुए थे, उन्होंने फोटो भी खींचा, बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, इस पर्टिकुलर जो ये इंसिडेंट यहां पर देखने को मिला। तो जब यहां पर इसका बॉडी जो थी बिल्कुल फंक्शन करना बंद कर दी, और यहां पर दूसरा एक पुलिस ऑफिसर था उसने आकर इसकी नब्ज चेक करी, वो नब्ज चेक कर रहा है फिर भी घुटना नहीं हटा रहा है, जब इसकी जान चली गई यहां पर तब जाकर यहां पर इसके द्वारा घुटना हटाया गया। ये जो वीडियो थी इतनी ज्यादा वायरल हुई,
कि बहुत सारे लार्ज स्केल पर इसको अलग अलग कंट्री में भी कई जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले, यूएसए में प्रोटेस्ट देखने को मिले। तो इतना ज्यादा लोगों के अंदर रोष आया कि लोगों ने काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किए। इवन ओलंपिक के जो फंक्शन हो रहे थे यहाँ पर कई जगह, वहां पर भी कई बार यहाँ पर इस तरीके से प्रोटेस्ट किए जाते हैं दिखाने के लिए कि हम लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ओलंपिक भी उस टाइम पर जो कमिटी थी उसने इनको चीजों को अलाउ कर दिया था, पर लेकिन जब चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो फिर लगने लगता है कुछ, मतलब एक तरीके से और माहौल गर्म ना हो जाए और चीजें खराब ना हो जाए। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के द्वारा जो रूल है, रूल 50, वो यहां पर इस तरीके से चीजों को करने से मना करता है कि आप लोग कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है, पॉलिटिकल रिलीजियस या फिर रेशियल कोई प्रोपोगेंडा अपना नहीं फैलाना है। जहां पर ओलंपिक का एरिया है, जहां पर ओलंपिक के फंक्शन हो रहे हैं, गेम हो रहे हैं, वहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप लोग नहीं करोगे। तो ये ऑलरेडी यहां पर इनके द्वारा बोला गया था, पर लेकिन फिलहाल कुछ थोड़ी सी ढील दे दी गई थी जिसकी वजह से ये देखने को मिली, फिर से इन्होंने इसको बंद कर दिया है। तो यहां पर जो एथलीट हैं, कई सारे एथलीट बाहर निकल कर आए कि हमारे राइट का क्या, हम लोग अब चीजों को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, ऐसा कि हम लोग अब चीजों को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। तो इसके चलते एक कंडीशन देखने को मिली। तो यहां पर जॉर्ज फ्लॉयड था जिनकी यहां पर डेथ हुई, यहां पर ये लास्ट मे, यानी कि लास्ट ईयर मे में यहां पर इनकी डेथ हुई। अभी पूरा एक साल यहां पर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, कंप्लीट होने वाला है, लगभग हो गया है, ठीक है। तो यहां पर जो ब्लैक लाइव्स मैटर, ये एक मूवमेंट चलाया गया कि यार हम भी मैटर करते हैं। ये बदतमीजी की पराकाष्ठा पार की नहीं इस इंसान ने, मतलब समझिए आप लोग, यहां पर ये ऐसा लग रहा है कि सारी पावर इसी के हाथ में, इसको देश में कोई इसको रोकने वाला है ही नहीं है। तो ये ऐसी हरकतें कई बार ब्लैक और व्हाइट का ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये इस तरीके से सोसाइटी में डिवीजन हो जाता है। अब जो भी ब्लैक लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस फोटो को देखेंगे, जो दूसरी कंट्री से आए हैं, जैसे खासकर अफ्रीकन जो यहाँ पर अमेरिका में रह रहे हैं, अब सोचिए उनके दिमाग पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सिचुएशन कई बार यहाँ पर देखने को मिलती है जिसकी वजह से काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप थे वहां पर उस टाइम पर पावर में, तो चीजें दब गई क्योंकि वो हमेशा व्हाइट पर्सन को सपोर्ट करते हैं। पर जैसे यहाँ पर अभी जो बाइडन आए, यहाँ पर इनकी जो पार्टी है वो ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिलहाल ये इंसान जो है वो धर लिया गया है, ये यहाँ पर अभी फिलहाल इस इंसान को पकड़ लिया गया है। तो यहां पर लगभग 3,547 से करीब एथलीट जो है उन्होंने अपना व्यू प्रस्तुत किया कि यार कम से कम हम लोगों को प्रोटेस्ट करने का तो मौका मिलना ही चाहिए, उसमें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कई बार कई सारे ड्रेस पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जर्सी पर फोटो बनवा लेते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन का। तो ये सारी बातें बोली जा रही है कि इससे जो गेम है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। गेम का मतलब है कि एक हारमोनी बनाकर रखना, लोगों के अंदर सौहार्दपूर्ण भाव बनाकर रखना, तो ये उसको हैम्पर कर रहा है। तो इसके चलते यहां पर अभी ओलंपिक के द्वारा, ओलंपिक जो कमेटी है इंटरनेशनल, उसके द्वारा ये चीजें बंद कर दी गई है। आप लोगों का क्या मानना है इसमें, ये इनको बंद करना चाहिए या फिर अलाउ करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग अपनी राय बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। आप लोगों को याद होगा एक न्यूज मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी जिसमें बात की थी हम लोगों ने सूत्रा मॉडल के बारे में। सूत्रा क्या था यहां पर, ये इसका मतलब था, इसका मतलब था बेसिकली ससेप्टेबल, इसी के साथ में यहां पर अनडिटेक्टेड, टेस्टेड पॉजिटिव और रिमूव्ड अप्रोच, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक अप्रोच यहां पर लेकर आएगी। ये एक ऐसा एक सिस्टम बनाया गया था, एक ऐसा मॉडल बनाया गया था साइंटिस्ट के द्वारा कि हमारी कंट्री में कोरोना वायरस को चेक करना है कि कोरोना वायरस कैसे चल रहा है, कैसे बढ़ रहा है और क्या क्या इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ, कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का ये फेल हो गया क्योंकि ये सेकेंड वेव हमारी कंट्री में आने वाली है, उसको ये चेक ही नहीं कर पाया कि ऐसे भी कोई कंडीशन हमारी कंट्री में बन रही है। तो सूत्रा मॉडल जो है वो यहां पर साइड में धरा का धरा रह गया, ऐसी बातें आई। तो अभी जो साइंटिस्ट है जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने जो मीडिया की रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने बोला कि हम लोगों ने अपना पूरा काम किया है, जिस तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो करना था वो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। हम लोगों ने गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले से ही बोला था कि सेकंड वेव आ सकती है, पर लेकिन गवर्नमेंट ने अपने कोई ऐसे सिस्टम डेवलप नहीं किए, कोई ऐसा ढांचा तैयार नहीं किया ताकि इसको टैकल किया जा सके। तो ये बातें इनके द्वारा बोलेगी कि गलती हमारी नहीं है, गलती जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये जो मॉडल था ये कोविड-19 को टैकल करने की बात कर रहा था और यहां पर जो बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल यहां पर तैयार किया गया कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलनी है। तो बेसिकली इनके द्वारा ये बोला गया कि यार देखो, एक तो ये चीजें हैं कि अगर कोई वायरस होता है तो उसका नेचर चेंज होता है, तो आप लोग वायरस को हर टाइम जो है ट्रेस नहीं कर सकते। अभी पहले कोविड-19 जब आ रहा था वो इतना टफ नहीं था, अभी इस वायरस का नेचर चेंज हो गया। यानी कि पहले एक सीधा साधा सा बच्चा आया था कोविड-19, बेसिकली 18 में जब ये वुहान से निकल के आया तो ऐसा था कि जैसे अंडे से बच्चा निकलता है, ठीक है, तो उस टाइप का था बेचारा, सीधा साधा सा। पर लेकिन जैसे आगे बढ़ा, इसको लगने लगा कि यार ताकत आ गई है मेरे अंदर, तो ठीक है, यानी कि इसका वर्जन चेंज हो गया यहां पर और इसके अंदर सींग निकलने लगे, और 2020 में इसके अंदर सींग के साथ में हथियार भी निकलने लगे। इसका एक और उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं, बड़ा ही प्यारा सा उदाहरण आप लोग समझ पाएंगे। वो उदाहरण ये कि हमारी कंट्री में जब अंग्रेज आए तो वो राजाओं के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमको काम करने के लिए जगह दे दो, अपने साथ में व्यापार करने के लिए जगह दे दो। तो उस टाइम पर मुगल साम्राज्य जो था वो काफी ताकतवर था,
तो जिल्ले इल्हाई करते थे सारे मुगल राजाओं के सामने, ये जो लास्ट तक के अगर जो मुगल राजा रहे यहां पर, जहांगीर हो गया, औरंगजेब हो गया, उनके सामने, सबके सामने इनके द्वारा जिल्ले इल्हाई की गई है। पर लेकिन जैसे जैसे मुगल साम्राज्य जो है थोड़ा सा ढीला पड़ने लगा और लास्ट के जो रूलर थे उनमें जान ज्यादा नहीं रही, तो इन्होंने अपने सींग निकालने स्टार्ट कर दिए। और जैसे ही मुगल साम्राज्य जो है वो खत्म हुआ, अंग्रेजों ने क्या है पूरा इसको चपेट में ले लिया। तो ये कंडीशन देखने को मिली कि 200 साल तक ये रूल करके गए हैं। अब यहां पर जो, यहां पर अभी जो ये कोविड-19 2020 का, ये बिल्कुल अंग्रेजों का वो वाला वर्जन है जो रूल कर रहा है, इसके द्वारा पूरी कंट्री को अपनी चपेट में ले लिया गया है। तो ये बातें हैं यहां पर, यानी कि कुछ सर्टेनिटी नहीं होती है, वायरस डायनेमिक नेचर का होता है, अपने आप को चेंज करता रहता है और काफी ज्यादा एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो जो ट्रांसमिसिबिलिटी है यहां पर ये भी काफी लार्ज स्केल पर चेंज होती रहती है। तो हमारी कंट्री में जो अभी नया वर्जन इसका कोविड-19 का देखने को मिल रहा है वो इतना ताकतवर है कि दवाई का भी उसके ऊपर कम इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि अब सुरक्षा जो है वो काफी हद तक हमारे हाथ में हो गई है। जैसे कि बोला जाता है कि अगर कहीं से भी आप लोग आ रहे हो, कोई खास रहा है, कोई किस तरीके से छींक रहा है, तो आप लोगों को इन्फेक्टेड कोविड-19 पर्सन से, खासकर किसी भी पर्सन से दूर रहना है जो छींक रहा है, कुछ कर रहा है। हाथ तो किसी के साथ मिलाना ही नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस बनाकर आप लोगों को रखनी है। ड्रोपलेट्स जो होती है यहां पर, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कोई गेट पर है, कोई लिफ्ट में जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग उसको टच कर रहे हैं, आकर फिर आप लोगों ने क्या किया, अपना नाक आन कान टच कर लिया, तो फिर कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम लोग थोड़ी सी भी यहां पर लापरवाही बरतने से रुकें तो सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सकता है। तो पूरा देश जो है वो इसकी चपेट में आया, तो इस तरीके से गया, क्योंकि हमारे कंट्री में जो लोग हैं बहुत ज्यादा मिलनसार हैं, एक दूसरे के गले मिलना नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और यार क्या हाल हो रहे हैं, ठीक है, कई सारे त्योहार हैं, गले मिलते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री में लोग काफी ज्यादा मिलनसार हैं, ठीक है। अगर दूसरी कंट्री में हाय हाउ आर यू दूर से करते रहते हैं कई बार, पर लेकिन नॉर्मली अगर देखा है हमारी कंट्री के जो लोगों का नेचर है वो काफी एक उन्हें लविंग नेचर के पीपल है हमारी कंट्री के लोग, जो खासकर मिलजुल कर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कोरोना भी हमारे साथ मिलजुल कर रहना ज्यादा पसंद किया कोरोना, कि हाँ ये लोग सही हैं, इनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ हमारी लापरवाही, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही, जिसकी वजह से ये लाखों लोगों को लेकर डूब गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो सींग नहीं दिखाए, बाद में आते आते पूरा हथियार के साथ में लैस हो गया यहाँ पर। तो ये है इसके वर्जन, जैसे आप लोग के आईफोन के वर्जन आते हैं, ऐसे ही कोरोना के वर्जन आप लोगों को देखने को मिले यहाँ पर। आगे यहां पर बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में, तो ये एक छोटी सी न्यूज है यहां पर, ये बेसिकली जीएसटी से रिलेटेड है। आप लोगों को पता है देश में कैसी कंडीशन बनी हुई है, तो इसी के चलते जो गवर्नमेंट है वो यहां पर कुछ छूट दे रही है ताकि लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े, हफरा तफरी ना मचे कि जीएसटी को कैसे लेकर चलना है, जीएसटी को कैसे फाइल करना है, तो ताकि देश के अंदर शांति बनी रहे, उसी के चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। अभी कोरोना पैंडेमिक के चलते गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि कुछ थोड़ी सी छूट दी जाए, कुछ रिलीफ दिया जाए, ठीक है, कि यहाँ लोग वैसे इतने प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो अगर टैक्स भरने में, पे करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थोड़ा लेट हो जाता है, तो कोई नहीं, उनके ऊपर एक तो इंटरेस्ट भी कम कर दिया गया है कि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाना है, जीएसटी का रेट जो है वो भी कम किया गया है, और इसी के साथ में लेट फी जो है वो भी फ्री कर दी गई है, कि थोड़ा बहुत अगर लेट हो जाएगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे इतने परोपकार के काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारे काम कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी कंट्री की, जो कि निर्मला सीतारमन जी के अंडर में आती है, इनके द्वारा ये सारे स्टेप उठाए गए हैं। आखिर चीजें क्या है समझ लेते हैं। हमारी कंट्री में जीएसटी का टर्नओवर तो आप लोगों को पता है काफी शानदार देखने को मिला। फिलहाल अभी जो बात की जा रही है एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में बात की जा रही है, अगर 5 करोड़ रुपए है कोई कंपनी जो है, 5 करोड़ रुपए अगर यहां पर उसका एग्रीगेट टोटल टर्नओवर देखने को मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका वो 9% रहेगा फर्स्ट 15 डेज अगर वो लेट हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि जो फर्स्ट 15 डेज अगर लेट होता है, ठीक है, तो यहां पर 9% लगेगा, जो कि अगर बात की जाए, ठीक है, अगर आगे फिर से भी वो फिर से लेट हो जाता है तो फिर यहां पर 18% यहां पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो टैक्स रेट है वो यहां पर स्टार्टिंग में कम लगेगा, फिर बढ़ जाएगा अगर वो कंटिन्यूअसली और ज्यादा यहां पर डिले करता है। यानी कि जैसे 1 तारीख को भरना था, ठीक है, 1 तारीख का टाइम कंप्लीट हो गया, अब यहां पर 15 तारीख तक अगर ये भरेगा तो 9% एक्स्ट्रा लगेगा यहां पर, और अगर फिर ये 15 से आगे बढ़ेगा तो फिर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 18% का। ये उनके लिए जिनका टर्नओवर ये ओवर 5 करोड़ है, ठीक है, यानी कि 5 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर, तो उनके लिए ये प्रावधान रखा गया है। अब वो है जिनका अप टू 5 करोड़ है, यानी कोई कंपनी ऐसी जो 5 करोड़ रुपए कमा रही है, ठीक है, तो उसका टर्नओवर के बारे में बात करें तो निल रेट रहेगा इंटरेस्ट फर्स्ट 15 डेज, यानी कि 1 तारीख को अगर पे करना है, 15 तारीख होगी, तो यहां पर निल रहेगा, कोई भी उसके ऊपर ये चार्ज नहीं लगेगा। 9% लगेगा नेक्स्ट 15 डेज के लिए, यानी कि 15 से लेके 30 तक जो है वो 9% लगेगा, और फिर यहां पर 18% यहां पर होगा अगर ये 30 के बाद में जाते हैं, यानी कि 15 दिन की इनको और मोहलत दे दी गई है।
तो ये यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पर ये कुछ चेंज किए गए हैं, अगर कोई फाइल करने में थोड़ा लेट हो जाता है तो। ठीक है, तो ये एक रियायत टाइप में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल जो रहेगा यहाँ पर नॉर्मल टैक्स पेयर के ऊपर भी रहेगा, जो क्वार्टरली रिटर्न पे कर रहे हैं या फिर मंथली पेमेंट आप लोग को देखने को मिल रही है तो उनको भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग को याद क्या रखनी है, बस हल्का सा आइडिया रखेगा क्या ऐसा भी कोई प्रोविजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये काफी एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है। बात की जा रही है यहां पर कि अगर हम लोग आज की डेट में नाइट्रोजन का कोई पावर प्लांट है, नाइट्रोजन का कोई प्लांट है, उस नाइट्रोजन के प्लांट से अगर हम लोग को ऑक्सीजन बनानी है तो क्या ये तरीका पॉसिबल है? तो क्वेश्चन ये है यहां पर, ये अभी क्या किया जा रहा है हमारी कंट्री में, कंसिडर किया जा रहा है कि जितनी रिक्वायरमेंट है अभी यहां पर ऑक्सीजन की वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो नाइट्रोजन के जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उनको कन्वर्ट कर आप लोग ऑक्सीजन का बना दो। नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 28% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग याद रखनी है। तो इसको यहाँ पर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है जो यहाँ पर प्लांट है। तो पोटेंशियल जो है इसके बारे में अगर आप लोग बात करिए, यहाँ पर नाइट्रोजन प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो आप लोगों को जानता है कि यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई को और अच्छे लेवल पर प्रोवाइड करा सकते हैं। पर लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉसिबल भी है। कैसे पॉसिबल है वो समझ लेते हैं। नाइट्रोजन जब बनाई जाती है तो वहां पर कार्बन मोलिकुलर जो यहां पर सिव है, बेसिकली इसको सीएमएस बोलते हैं, ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहां पर ये इस तरीके का, तो ये यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, जो यहां पर नाइट्रोजन यूज करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जब यहां पर जियोलाइट मोलिकुलर जो सिव है यहां पर, ये जिसको ZMS बोलते हैं, वो रिक्वायरमेंट रहती है जब आप लोग ऑक्सीजन बनाने की बात करते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां पर ये वाली चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आप लोग यहां पर जो नाइट्रोजन की जगह अगर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना है, तो पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये है, यानी कि चेंज कर कुछ हम लोग चीजों को कर सकते हैं। दूसरा बोला गया यहां पर कुछ और चेंज करने पड़ेंगे, जैसे ऑक्सीजन एनालाइजर होगा यहां पर ये, ठीक है, ऑक्सीजन एनालाइजर होगा, कंट्रोल पैनल होगा और फ्लो जो यहां पर वाल्व होगा, तो यानी कि ये डिवाइस की और जरूरत पड़ेगी। जैसे फ्लो वाल्व हो गया एक ऐसा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन एनालाइजर आप लोग ये सारी चीज देख सकते हैं, तो ये सिस्टम भी अलग से यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। अगर ये सारी चीजें आप लोग ऐड कर देते हैं तो आप लोग नाइट्रोजन का जो प्लांट है उसमें से आप लोग ऑक्सीजन डेवलप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये न्यूज थी, तो इसलिए हमारी कंट्री में ये बातें की जा रही है कि जहां जहां पर भी नाइट्रोजन आप लोगों को देखने को मिल रही है वहां पर ऑक्सीजन को हम लोग बेसिकली कर सकते हैं डेवलप या फिर नहीं, तो उसके बारे में ये न्यूज थी। तो क्या है? जी हाँ, कर सकते हैं। तो आंसर ये है, बस थोड़े से चेंज आप लोगों को करने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी, पुराने लेक्चर की भी पीडीएफ सारी यहां पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। बाकी आंसर राइटिंग के लिए दूसरा भी टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, वीर तालियान के नाम से चेक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।